आप लोगों को अपने जो वेपन्स हैं उनको मजबूत करने का समय आ गया। वेपन्स का मतलब ये नहीं है कि अपने हथियार बंदूक उठा लो और गन चला दो और डंडे चाकू लेके फैल पड़ो मोहल्ले में खूब तबाही मचा दो। इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपके हथियार आपको जो गॉड ने प्रोवाइड किए हुए हैं वो अब यूज करने का समय है आपकी इस क्लास के दौरान, एग्जाम की स्ट्रेटजी के दौरान। खाने पीने की बात कभी बाद में करेंगे। भगवान ने जब आपको इस दुनिया में भेजा तो 2000 ml यानी 2 लीटर ऑक्सीजन के साथ भेजा, जो आज तक आपकी लाइफ को चला रही है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम इतने कमजोर हो गए, हमें याद नहीं होता, बाकी के बच्चे ज्यादा पावरफुल हैं, वो ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, हमारी नॉलेज उनसे कम है। ऐसा क्यों हम सोच रहे हैं? हमारी नॉलेज उनसे कम क्यों है? क्या समस्या बीच में आ रही है? थोड़ा सा आपको अपने वेपन्स के बारे में जानिए 5 मिनट, उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा। गौर से दिमाग में रख लेना, ठीक है? जब भी गिव अप लगे, स्टडी या किसी से भी क्विट करने का मन करे, लगे हम हार गए, दूसरे के कंपैरिजन में अपने आप को कम फील करने लगे, दूसरा ज्यादा ब्रिलियंट, हमें नहीं चीजें मेमोराइज होती, दूसरों को ज्यादा अच्छी तरह से होती है, ऐसी फीलिंग्स आए, तब आपको 4-5 बातें याद रखनी। अपने वेपन्स, अपने पर्सनल हथियारों के बारे में। आपकी मदद करने के लिए गॉड ने आपको 639 मसल्स दी हुई, 639 मसल, आपकी गुलाम, आपकी मर्जी से काम करने वाले 639 नौकर। आप चलिए, फिरिए, लिखिए, इधर उधर आंखें घुमाइए, कुछ भी करिए, सब कुछ आपकी मर्जी से, वो 639 मसल्स। और इन मसल्स के साथ और असिस्टेंट 206 बोन्स, 206 हड्डियां हर समय तुम्हारे सेवा में तत्पर। मैंने हाथ हिलाया, मेरी फिंगर चल रही है, मेरा मुंह चल रहा है, ये मसल और बोन्स के बिना संभव है क्या? कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन। तीसरा आपका हथियार, आपके शरीर के अंदर 11 ऑर्गन सिस्टम है, 11 ऑर्गन सिस्टम इन साइड योर बॉडी। एक आध का नाम तो आपको याद भी होगा, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, और ये एलिमेंट्री कैनाल का अलग सिस्टम। सारे के सारे आपके अंदर 11 सिस्टम कम होते हैं क्या? ये 11 सिस्टम आपके अंडर कंट्रोल, एक भी आपसे तनख्वाह नहीं लेते, एक भी पैसा नहीं लेते, लेकिन आपका सारा काम कर रहे हैं। और इन 11 सिस्टम में काम करने वाले लोग कितने जानते हो? कितने ऑर्गन काम करते हैं आपके इन 11 सिस्टम में? 78 ऑर्गन, आपकी पूरी बॉडी में 78 ऑर्गन सिस्टम बना के काम आपके लिए कर रहे हैं। आपकी मर्जी से, मर्जी के बिना हिलेगा भी नहीं वो ऑर्गन। 639 मसल्स, 206 बोन्स, 11 ऑर्गन सिस्टम एंड 78 ऑर्गन्स आर अंडर योर ड्यूटी, अंडर योर सर्विस। अब कहोगे अब इन्हें हम कंट्रोल कैसे करें? सर आपने ये वाली बात तो बता दी, इतने सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं। अरे मत करो कंट्रोल तुम,
इन्हें कंट्रोल करने के लिए आपके अंदर इस समय भी एंडोक्राइन ग्लैंड, जो मेन मेन 8 एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो आज भी इस समय भी जब आप मेरे सामने बैठे हो तब भी काम कर रहे हैं। वो एंडोक्राइन ग्लैंड से ये सारे सिस्टम कंट्रोल हो रहे हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ये ग्लैंड, वो आपकी सारी ग्लैंड्स हार्मोन सीक्रेट कर करके आपकी हेल्प कर रही है, हेल्पिंग ग्लैंड्स हैं। जस्ट अमेजिंग टू थिंक अबाउट द सेम, इतनी ज्यादा हेल्प हमारी, कमाल हो गया। और अगर हम ग्लैंड्स पर ही ना रुके तो हमारे दिमाग के अंदर पाए जाने वाली नर्व, आपको चीजें याद कराने वाली नर्व, 86 बिलियन, मैं 1000 2000 लाख मिलियन की बात नहीं कर रहा, 1 मिलियन में 10 लाख और 1 बिलियन में 100 लाख, और उसमें भी 86 बिलियन नर्व सेल। एक नर्व सेल कम से कम 1 लाख बातें याद करने में मदद करती है आपके ग्रे मैटर के अंदर। तो 86 बिलियन में जरा 1 लाख का मल्टीप्लाई तो करना। लेकिन हम तो आलस करेंगे, हमें याद नहीं करना। तुम्हारा कुछ घिस रहा है क्या बुक को पढ़ने में या मेरी बातें सुनने में? 86 बिलियन न्यूरॉन आर अंडर योर सर्विस इन योर ब्रेन। इन सबके पास सप्लाई करने के लिए 6 से 7 लीटर तक ब्लड, और ब्लड लेके जाएगा ऑक्सीजन बाहर से। क्या ऑक्सीजन के लिए आप लोग पैसे दे रहे हो? गॉड ने प्लांट से कहा हुआ है, प्लांट आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड उसको सप्लाई कर रहा है। ब्लड को कभी तनख्वाह दी है कि ले भैया 1000 रुपए महीने ले लो ब्लड जी और जरा ठीक ठाक ऑक्सीजन पहुंचाओ? नहीं, ब्लड के अंदर भी उनके गुलाम यानी वो आरबीसी 1 सेकंड में 20 लाख से 24 लाख आरबीसी बन जाती हैं। अभी मैंने एक बार ऐसे करके हाथ थोड़ा सा ऊपर किया, आपके अंदर 24 लाख आरबीसी तैयार हो गई। हर आरबीसी सप्लाई कर रही है किस चीज का? ऑक्सीजन का। एक दिन में 200 बिलियन आरबीसी। यहां तक कि ओ भैया हम तो बीमार हो जाएंगे, हमें डर लगता है कोई बीमारी ना हो जाए। अरे कोई डरने की बात नहीं है, आपके अंदर डब्ल्यूबीसी, आपका डिफेंस सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी, हर दिन 10 बिलियन डब्ल्यूबीसी तैयार होती है नई, हर दिन 10 बिलियन, जो आपको हर बीमारी से लड़ने में मजबूत बनाती। तो क्या आप नहीं बहुत बड़े रिचेस्ट ऑफ रिचेस्ट हो? क्या आप फिर किसी से कमजोर हो? आपके अंदर इतने सारे लोग, आपके इतने गुलाम नहीं है? एक मालिक के नौकर तो घर पे रह जाते हैं जब वो बाहर जाता है, लेकिन ये सारे सिस्टम जो मैंने बताए, हर समय हर पल, सोते जागते उठते बैठते खाते रोते पीते, क्या हर समय आपके साथ आपकी हेल्प नहीं कर रहे? यस और नो? कर रहे। सो नाउ यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन, मोस्ट पावरफुल, इवन यू आर द एज ऑफ द 10, 20, 30, 40, 50, वट एवर द एज, एज नो बार, यू आर द किड, यू आर द एडल्ट, you are the old, no matter at all, you are having the supreme power provided by the God within yourself, and these are the powers, with the help of these power you can do imaginary, beyond the imagination things, and you can just create the exemplary remark all over the universe if you want to do, whether it is the exam of the NEET, of the IIT, of the UPSC, or the school's exam, or board exams. So, just polish your weapons. कैसे? इनको order दे दो। अपने brain से बोलो, ओए, इन सारी की सारी चीजों को
639 मसल्स को, 206 बोन्स को, 11 ऑर्गन सिस्टम को, 78 ऑर्गन्स को, और हमारी बॉडी की 8 ग्लैंड्स को, और 84 बिलियन नर्व को हमारे कंट्रोल के हिसाब से चला, हेल्पफुल बना। इजी है, ट्राई करना शुरू करो आज से ही। आपको मेरी बात समझ में आ गई? नेवर गिव अप। थोड़ा जोश आया? यस सर, यस सर। ठीक है सर, ज्यादा ही आ गया बेटे। ये आपकी मैंने पहचान दिलाई थी। आपको मालूम है कि जब रामचंद्र जी का वाला केस था, जब हनुमान जी को वो पार करना था समंदर, और वो पार नहीं कर पा रहे थे, वो एक जगह चुपचाप बैठे हुए थे लंका के पास जाने के लिए, उन्हीं के अंदर पावर थी, उन्हें ये वाली बातें याद नहीं थी, मेमोराइज नहीं हो रही थी। कान में जाकर जामवंत नाम के रीछ महोदय ने कान में सारी यही वाली बातें फुसफुसा दी। देखो ऐसा ऐसा ऐसा, ये पावर, ये चीज, ये चीज। भाई बड़ा भयंकर जोश, और जय श्री राम का नारा लगा के फटाक से लंका को वहां पे समुंदर पार करके पहुंच गए। तो आपका ये जोश बरकरार रहना चाहिए जब तक कि आप अपने गोल को प्राप्त नहीं कर लेते, अभी से इसी समय से लग जाएंगे। ओके? यस सर। या डन। यस सर। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द डे।